सिक्किम में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ भारतीय सेना की एक बस खाई में गिरने से 16 जवानों की मौत हो गई है। यह हादसा उत्तरी सिक्किम के लाचेन से 15 किलोमीटर दूर जेमा इलाके में हुआ है। मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। हादसे में 4 जवान घायल भी हुए हैं। भारतीय सेना ने एक बयान में कहा है कि 23 दिसंबर 2022 को जेमा उत्तरी सिक्किम में सेना के एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। इस दुखद सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के 16 वीरों ने अपनी जान गंवाई है। जानकारी के मुताबिक सेना के 3 वाहन आज सुबह जवानों को लेकर जा रहे थे। एक काफिला चटन से थंगू की ओर जा रहा था। जेमा के रास्ते में एक वाहन का चालक अचानक मोड़ पर खड़ी ढलान की वजह से संतुलन खो बैठा और वाहन नीचे खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि 4 घायल जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया, जबकि 3 जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों और 13 सैनिकों ने दुर्घटना में लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा, उत्तरी सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना के कारण भारतीय सेना के जवानों की जान जाने से गहरा दुख हुआ। राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आभारी है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।